नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गज़ब इंडिया, जहां पर मैं भारत से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करता हूं, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूं, हर उस चीज़ के बारे में बात करता हूं जो आपको जानना ज़रूरी है। कई बार राजनीतिक मुद्दों पर हम बात करते हैं, उससे जुड़े हुए शब्दावलियों पर भी बात करते हैं और आज बात करेंगे क्रीमी लेयर्स पर। क्रीमी लेयर मैंने लिखा भी है और आपने सुना भी होगा, अगर आप मेरी उम्र के हैं या मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, तो अगर आपने सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरा होगा तो आपने क्रीमी लेयर शब्द ज़रूर सुना होगा। आरक्षण के संबंध में हम अक्सर इस शब्द को सुनते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि क्रीमी लेयर शब्द का आखिर मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आया, अब क्यों है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, तो आज बात इसी पर करेंगे। दरअसल क्रीमी लेयर, पहली बात यह है कि क्रीमी लेयर जो शब्द है वो आरक्षण से जुड़ा है और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि क्रीमी लेयर शब्द सिर्फ ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है। आपको पता ही है कि जो ओबीसी आरक्षण है वो जब भारत का संविधान बना और लागू हुआ तो शुरुआती समय में ये नहीं था। ये व्यवस्था साल 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार थी तब जो है ओबीसी आरक्षण लागू किया गया, 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया था। लेकिन कहानी यह है कि क्रीमी लेयर शब्द इसमें घुसा कैसे, ये आया कैसे। तो दरअसल आपको पता ही है कि मंडल कमीशन ने जो है साल 1979 में जो प्रतिवेदन दिया था उसमें उन्होंने ये सरकार को सुझाव दिया कि चूंकि ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, और जिसको बाद में वीपी सिंह की सरकार ने मान लिया और उन्होंने 27% आरक्षण दे दिया। तो ये जो मामला है जो ओबीसी को आरक्षण मिलने का था, इसे अगर आपने पुरानी किताबें पढ़ी हों या अखबार पढ़ी हों तो आपको पता ही होगा कि पूरे देश में आंदोलन हुए थे, अलग अलग समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे और ये मामला काफ़ी ज़्यादा जो है विवादास्पद था, सरकार का फैसला विवादास्पद था, सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मामला चला और इसको मंडल मुकदमा भी कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में लोग गए। दरअसल 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया था इसके विरोध में बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए और जिस मुकदमे को मंडल मुकदमा या इंदिरा साहनी बनाम बनाम भारत सरकार, ये मुकदमा था और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 16 नवंबर 1992 को एक फैसला दिया। मैं इसको मिटा के जो है लिख देता हूं तारीख आपको ताकि याद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में, या जिसको मंडल मुकदमा भी कहते हैं, 16 सितंबर 1992 को एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा कि जो सरकार ने जो मंडल कमीशन के सुझाव को मानते हुए 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया है वो फैसला पूरी तरह से सही है, वो कायम रहेगा, लेकिन उसने एक क्लॉज जोड़ दिया, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर्स को शामिल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शब्द तो दे दिया कि 27% आरक्षण का फैसला वीपी सिंह सरकार का बिल्कुल सही है, बिल्कुल लागू होगा, लेकिन क्रीमी लेयर जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि क्रीमी लेयर आखिर होते कौन है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो संपन्न है वो क्रीमी लेयर है, या सोशल आधार पे जो संपन्न है, लेकिन उन्होंने इसकी डिफिनेशन नहीं बताई कि क्रीमी लेयर कौन है और किनको 27% से बाहर रखा जाएगा। सरकार के सामने चुनौती थी और बड़ी चुनौती थी, तो सरकार ने जो है पटना हाई कोर्ट के जो एक्स जो सुप्रीम जज थे, जो वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के, उनका नाम था रामनंद प्रसाद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, चार लोगों की कमेटी बनी और उनको टाइम दिया गया और उनसे सुझाव मांगे गए कि जो सरकार ने जो 27% आरक्षण लागू किया है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्रीमी लेयर्स को बाहर रखा जाएगा, तो इस क्रीमी लेयर को कैसे पहचाना जाए, कौन लोग क्रीमी लेयर होंगे और उनको कैसे इसे बाहर रखा जाएगा। जिसके बाद जो ये पटना हाई कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस थे उनकी कमेटी जो ने जांच पड़ताल की और कुछ सुझाव दिए, उसने कुछ लिस्ट दी कि जो इन लोगों को जो है आप क्रीमी लेयर मान सकते हैं और इनको आरक्षण का लाभ न दिया जाए।
उसमें जो क्लास वन और क्लास टू रैंक के अधिकारी थे वो शामिल थे, उसमें प्रशासनिक पदों पे जो बहुत बड़े लेवल पे थे, जो जो प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार में थे वो शामिल थे, उसमें जो है क्या नाम है वो लोग, वो किसान शामिल थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं और सारी सिंचित भूमि थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स बताए, 8-10 पैरामीटर्स बताए और कहा कि इन लोगों को जो है आप क्रिमिनलियर मांग सकते हैं और इनको आरक्षण का लाभ देना जरूरी नहीं है। ओबीसी आरक्षण का लाभ जो 27% है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। बाद में भारत सरकार ने 8 सितंबर 1993 में एक आदेश जारी किया क्रिमिनलियर्स को लेके। उसमें सरकार ने कहा कि वो परिवार, वो अभ्यर्थी जो एप्लीकेशन डाल रहा है, अगर उसके परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए है या इससे ज्यादा है तो वो क्रिमिनलियर है। भारत सरकार ने बाकी उनको जो भी सुझाव मिले थे उसको दरकिनार किया। भारत सरकार ने 8 सितंबर 1993 को एक आदेश जारी किया जिसमें उसने कहा कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा, 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर परिवार की आय है तो 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा तो अभ्यर्थी को क्रिमिनलियर में गिना जाएगा और उसको उस आरक्षण का लाभ, ओबीसी आरक्षण का लाभ जो 27% है वो नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद इसमें काफी बदलाव किए गए और फिलहाल 8 लाख रुपए है। लेकिन कब कब बदलाव हुआ मैं लिख देता हूं शुरू से ताकि आपको भी याद रहे और ये क्लियर रहे। तो जो पहला जो 8 सितंबर था, 8 सितंबर 1993 को 1 लाख रुपए तक कमाई और उससे ज्यादा वालों को माना गया कि ये जो है क्रिमिनलियर्स हैं। दूसरी बार जब इसमें बदलाव हुआ वो 9 मार्च 2004 की तारीख थी। हालांकि उस समय 1 लाख रुपए बहुत होते थे, ये आपको भी पता है। 9 मार्च 2004 को इसको जो है इस रकम को बढ़ा के 2.5 लाख किया गया। इसमें फिर बदलाव हुआ है 14 अक्टूबर को 2008 में, 2008 में बदलाव हुआ है। सरकार ने इसमें इसको 4.5 लाख किया है, 4.5 लाख। इसके बाद इसमें फिर बदलाव हुआ है 27 मई 2013 को और इसको किया गया है 6 लाख रुपए। और सबसे जो आखिरी बदलाव है वो 12 सितंबर 2017 को किया गया है और इसमें इस सीमा को 8 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, 1979 में जो है मंडल कमीशन ने प्रस्ताव दिया, 1989 में 1989 में वीपी सिंह की सरकार ने उन सुझावों को मानते हुए 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का मामला था जिसको मंडल मुकदमे के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरक्षण बिल्कुल सही है लेकिन इसमें से क्रिमिनलियर्स को बाहर रखा जाए। सरकार ने पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, उससे सुझाव मांगे और बाद में भारत सरकार ने एक फैसला दिया। भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, फैसला तो नहीं कहेंगे इसको, आदेश ही कहेंगे, एक आदेश जारी किया जिसमें उसने क्रिमिनलियर्स की जो क्रिमिनलियर्स को आर्थिक आधार पर उसने क्लासिफाई किया और उसने कहा कि वो लोग जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए है या उससे ज़्यादा है उनको क्रिमिनलियर्स माना जाएगा और उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये 8 सितंबर 1993 को। बाद में इसमें बदलाव हुआ, 9 मार्च 2004 को 2.5 लाख किया गया ये, फिर 14 अक्टूबर 2008 को 4.5 लाख किया गया, 27 मई 2013 को ये 6 लाख किया गया और 12 सितंबर 2017 को ये 8 लाख किया गया। अब तो ये बात हो गई सरकार के स्तर पर, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस थी कि सिर्फ आर्थिक आधार तो है, ठीक है, लेकिन और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें आप इतनी इनकम होने के बावजूद आप जो है क्रिमिनलियर्स की श्रेणी से उनको बाहर रख सकते हैं, उस पर कुछ शर्तें हैं, नियम हैं, कंडीशंस हैं, उन पर अब हम चर्चा करते हैं। हालांकि सरकार ने कहा था कि सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये तो उन्होंने इनकम के आधार पे उन्होंने बात कह दी, लेकिन जो शर्तें रखी, जो कंडीशंस रखे, जो प्रावधान रखे वो मैं लिख देता हूँ। जो पहली बात थी, सपोज करिए, मान लीजिए कि मैं
ओबीसी हूँ और मैं अप्लीकेशन डाल रहा हूँ, तो इसमें कभी भी इस जो आरक्षण था और क्रिमिलेयर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें अभ्यर्थी की इनकम नहीं जोड़ी जाती है, पेरेंट्स की इनकम जोड़ी जाती है। यानी कि क्रिमिलेयर्स जो हम कहते हैं कि आपकी आय अभी जो 8 लाख रुपए का जो कॉन्सेप्ट है, तो अभ्यर्थी की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी, पेरेंट्स की यानी कि मां बाप की इनकम जोड़ी जाएगी। पहली बात तो यह है, अगर सपोज करिए कि अगर अभ्यर्थी कहीं से पैसे कमा भी रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या कहीं और जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो उसकी इनकम को नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ उसके माँ बाप की इनकम को जोड़ा जाता है। और अगर उनकी इनकम फिलहाल अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो उनको क्रिमिलेयर्स में रखा जाएगा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये पूरी बात मैं सिर्फ ओबीसी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ ओबीसी के लिए था। दूसरी बात जो थी इसमें कि इसमें कृषि की आय को शामिल नहीं किया जाता है। अगर पेरेंट्स जो है, अगर ये जो माता पिता है ये इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं और उस कृषि की भूमि से अगर वो अनाज बेच के पैदा करके उसको उससे उसके जरिए अगर पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा होता है तो भी उसको क्रिमिलेयर में नहीं माना जाएगा, कृषि की आय को नहीं जोड़ा जाता है। पहली बात, अभ्यर्थी की आय को नहीं जोड़ा जाता है। दूसरी, कृषि की आय को नहीं जोड़ा जाता है। और तीसरी, वेतन को नहीं जोड़ा जाता है, सैलरी को नहीं काउंट किया जाता है, दूसरे स्रोतों की आय को काउंट किया जाता है। तो इसमें जो शर्तें रखी गई थी वो ये था कि भले ही आपकी इनकम 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा है, उसमें जो शर्तें थी कि अभ्यर्थी की आय को नहीं गिना जाएगा, माता पिता की आय गिनी जाएगी, कृषि से जो कमाई गई आय है उसको नहीं गिना जाएगा, और अगर सैलरी वाले यहाँ सैलरी वेतन मिलता है तो उस आय को नहीं गिना जाता है। तो ये बातें हो गई क्रिमिलेयर के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं। बाद में ये मांग जो है वो SC ST के लिए भी उठा कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट SC ST में नहीं था, शेड्यूल कास्ट में है या शेड्यूल ट्राइब्स में है, और भले ही आप 50 लाख रुपये महीने कमाते हैं या 50 लाख रुपये साल का कमाते हैं, आपको क्रिमिलेयर में नहीं रखा जाता था, वहाँ पे सबके लिए एक समान आरक्षण था। बाद में ये मामला उठा और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। क्योंकि ये मामला उठा क्यों, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे जो है उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में 79 जातियाँ हैं और SC ST में 67 जातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में जो जातियों क्लासिफिकेशन किया गया है ओबीसी में, उसमें 3 क्लासिफिकेशन है और SC ST के 2 क्लासिफिकेशन है। 3 में पहली जो जाति रखी गई है, जो पहले में रखा गया है, उसमें यादव और अहिर को रखा गया है ओबीसी में, यादव / अहिर। दूसरे वाले में 8 जातियां हैं और तीसरे में बाकी जातियां। इस तरह से ओबीसी के 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। SC ST के 2 क्लासिफिकेशन है, पहले में जाटव है और दूसरे में बाकी जातियां हैं। जो बाकी रिसर्च हुए या जो बाकी लोगों की समझ हुई उसके आधार पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि ये जो आरक्षण है, जो 27% ओबीसी आरक्षण है या SC ST का आरक्षण है, उसमें ओबीसी में ये पहली जाति और SC ST में जो 67 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें ये पहली जाति जो है इसका लाभ लेती रही है, बाकियों को नहीं मिलता रहा है। तो ये मामला काफ़ी दिन से उठ रहा था, हालांकि सबके अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क हो सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बाद में मामला जो SC ST वाला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 26 सितंबर 2018 को एक फैसला दिया, वो मैं लिख देता हूँ तारीख ताकि आपको याद भी रहे। और 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और इस फैसले को जर्नैल बनाम लक्ष्मी नारायण मुकदमे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो नॉर्मल जो प्रक्रिया थी जो अभ्यर्थियों के चयन की, उसमें तो उन्होंने क्रिमिलेयर कॉन्सेप्ट नहीं रखा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने जो प्रमोशन होता है जिसको पदोन्नति भी बोलते हैं हिंदी में, तो प्रमोशन में इस कॉन्सेप्ट को लागू किया और कहा कि अगर जो प्रमोशन की बात जहां पे आएगी वहां पे अगर आप क्रिमिलेयर वाली श्रेणी में आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो एक तरह से शुरुआत है कि SC ST में भी जो है क्रिमिलेयर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। बाकी मैंने आपको बताया कि जो क्रिमिलेयर जो शब्द है वो आरक्षण से जुड़ा है और आरक्षण में भी ओबीसी से जुड़ा है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि क्रिमिलेयर को आरक्षण न दिया जाए ओबीसी में। बाद में जो है पटना हाई कोर्ट के जज थे, उनके साथ कमेटी बैठी, उसने अपने सुझाव दिए, फिर भारत सरकार ने उसके लिए
एक आर्थिक आधार पे कुछ सीमाएं रखी कि 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और अब आखिर में 8 लाख रुपए। तो ये पूरी बात थी क्रिमिनेयर्स पे और क्रिमिनेयर क्या होता है, कैसे होता है, कब से है। मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं और रिसर्च करूँ, वीडियो बनाऊँ और उसे आप देख पाएँ। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। किसी दूसरे टॉपिक पर जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिखिए, मैं रिसर्च करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिए, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप सबसे पहले देख पाएँ।